हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है बैड ब्लड पीएलई में। जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट पीएलई जो होने वाला है वो होने वाला है बैड ब्लड, और इस शो में हमें काफी सारे ढांसू मैचेस देखने मिलने वाले हैं। तो आखिर क्या होने वाला है इन मैचेस में, इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो पहली मैच होने वाली है बैड ब्लड पेपर व्यू में, वो होने वाली है बिटवीन डेमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर। जो नेक्स्ट मैच होने वाली है वो होने वाली है फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन लिव मॉर्गन एंड वी आर रिप्ले। इस मैच में हमें काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल सकते हैं, और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो का। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार वी आर रिप्ले हरा पाती है लिव मॉर्गन को, या फिर लिव मॉर्गन एस्केप कर जाती है ये विक्ट्री। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा हेल इन अ सेल मैच होने वाला है बिटवीन सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर, ये काफी बारबेरिक होगा। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दो मैचेस इनके कितने डेंजरस हुए थे, और अभी जो हेल इन अ सेल का मैच होगा वो इससे भी ज्यादा डेंजरस होगा। और काफी चांसेस है कि ये दोनों अपना स्कोर सेटल करेंगे इस फाइनल मैच में उनकी, जो होगी हेल इन अ सेल मैच। चांसेस तो लग रहे हैं कि सीएम पंक विक्टोरियस रहेंगे, बट लेट्स सी ट्रिपल एच किसे जिताता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ ह्यूज मैच जो होगी एक टैग टीम मैच बिटवीन सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस एंड द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स। दोस्तों, स्मैकडाउन में ये मैच बुक हो गई थी जब रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब इसमें काफी स्पेकुलेशन है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि जेकब फाटू एंड सोलो को भी डोमिनेटिंग दिखाना है, एंड रोमन एंड कोडी को तो दिखाना ही है डोमिनेटिंग। तो आखिर कौन जीतेगा, कौन हारेगा? इस पर दोस्तों, मार्क हेनरी ने अपने पॉडकास्ट पर एक काफी शॉकिंग सिनेरियो बताया है, और मार्क हेनरी का ये प्रेडिक्शन है कि ये मैच जीतेंगे जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा। और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों जन कोडी रोड्स को तो तोड़ देंगे, और जब रोमन रेंस को तोड़ देंगे, और जब पिन की बारी आएगी और जेकब फाटू पूरा वर्क करेंगे, तो सोलो सिकोवा ऑर्डर देंगे कि वो पिन करना चाहते हैं रोमन रेंस को। एंड एज अ ट्राइबल चीफ, जेकब फाटू ने उनका कहा मानना चाहिए, और ऐसे सोलो पिन कर सकते हैं रोमन रेंस को और जीत सकते हैं वो मैच। और इसकी वजह से सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटू के बीच में कुछ डिफरेंसेस हमें देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से आगे जाकर ब्रेकअप हो सकता है इस ब्लड लाइन में। तो दोस्तों, ये था प्रेडिक्शन मार्क हेनरी का, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स ये मैच जीत सकते हैं, या फिर ये मैच एंड हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन में, क्योंकि कोडी रोड्स चैंपियन है और रोमन रेंस तो एकदम गॉड लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनको हराना काफी मुश्किल होगा, और मुझे लगता है कि सोलो सिकोवा यहाँ पर पिन ले सकते हैं। ऐसे जेकब फाटू भी प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड रोमन एंड कोडी भी। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मार्क हेनरी कह रहे हैं वैसा होगा, या फिर हमने जैसा प्रेडिक्ट किया वैसा। बट एक बात है दोस्तों, अक्टूबर 5 तक काफी मजा आने वाला है, और अक्टूबर 5 के दिन बैड ब्लड में तो काफी धमाके होने वाले हैं। एक हार्ड हिटिंग कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा हमें इन दो टीम्स के बीच। तो लेट्स सी क्या होता है इस पीएलई में और कौन जीतता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, इस पूरे बैड ब्लड मैच कार्ड में से आपकी फेवरेट मैच कौन सी है? सेकंड, आपको क्या लगता है, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा ये मैच जीतेंगे, या फिर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स विक्ट्री ले जाएंगे? सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।